वालेकुम तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब हैत खुश पाश होंगे मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम आप तो मुसीबतों तकलीफ़ों से बचा के रखे वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का व्लॉग जो है वो मैं सुबह से ही स्टार्ट करी हूँ बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह बना के दे दिया हुआ है और अभी मैं उनके लंच में उनको देने के लिए बना रही थी फ़्राइज़ अब्दुल्ला ने लेके जाना है हंडा ब्रेड और उस ने लेके जानी है फ्राइज़ तो मैंने कहा मैं उनको जल्दी से बना देती हूँ वो नाश्ता करने के बाद ही तैयार होते हैं तो वो नाश्ता करके तैयार हो रहे हैं और उतनी देर में मैं उनका लंच रेडी कर दूँगी बच्चे जो है ना वो सुबह अच्छे से नाश्ता करके नहीं जाते हैं तो इसलिए फिर साथ उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है कि मगर उन्हें भूख लगे तो वो बाद में खा सकें इस तरह बच्चे स्नैक्स पे ज़ोर रखते हैं कि कहीं लेस खा ली या कुछ और स्नैक्स ले लिए तो इसलिए फिर उनको मैं घर से दे देती हूँ उस वक्त तो अक्सर फ्राइज़ ही लेके जाती है और अब्दुल्ला कभी अंडा ब्रेड कभी फ्राइज़ और कभी घर में कुछ बर्गर वग़ैरह इस तरह का कुछ बना के तो फिर मैं उसको दे देती हूँ तो तेल गरम हो रहा है इसमें मैं फ्राइज़ बनाऊँगी और जो है ना दूसरे तवे पे मैं अब्दुल्ला के लिए मैंने अंडा वगैरह घोल लिया और जल्दी से मैं उसको बना देती हूँ अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्सअप भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये दोनों के लंच बॉक्स हो गए हैं तैयार अब्दुल्ला कह रहा था कि मुझे भी फ्राइज़ दे दी थोड़ी सी तो मैंने उसकी फ्राइज़ में से थोड़ी सी निकाल के उसको दे दी और उस जो ना वो गुस्सा कर रही थी कि सारी फ्राइज़ मेरी थी बच्चे पता नहीं क्यों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो ये दूध भी कहीं बाहर ना आ जाए मैं चूल्हा बंद कर दूँ और ये दूध डाल के मैंने रखा है रात को जो है ना इन्होंने पिया नहीं था तो इसलिए मैंने कहा बाप की सज़ा है कि आप सुबह इसको पी के जाए उस ले के ना इसको घूम रही थी कि मुझे बस टाइम मिले और मैं दूध को कहीं ठिकाने लगा दूँ लेकिन मैंने भी कहा कि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ तुम तो इसको पियो जल्दी है बच्चे जा रहे हैं स्कूल और ये मैंने ना सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी तो ये बच कपड़े जाने के मैंने स्पिनर करने के लिए डाले हैं तो बिना हेल्पर के आने में थोड़ा टाइम था तो ये क्यारी काफ़ी ज़्यादा गंदी होती थी ये देखे ना काफ़ी ज़्यादा बूटी वगैरह इधर उगी हुई है तो मैंने कहा मैं उतनी देर में इसको जो है ना ये साफ़ कर लेती हूँ क्यों क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया और मैं सोच रही थी कि इधर कोई धनिया या पालक वगैरह लगा दी जाए तो इन एक दो दिन में जो है ना फिर मैं इसको साफ़ करके तो धनिया या पालक वगैरह कुछ इसमें लगा दूँगी ये बारिशों का पानी खड़ा हो कि ना तो काफी ज्यादा इसकी मट्टी जो है ना खराब हो गई हुई है जंग लग गया हुआ है जिसको हम बोलते हैं ना वो उल्ली टाइप उस तरह का जंग लग गया ये छोटी छोटी बूटी है बड़ी हो तो उसको निकालना आसान होता है ये छोटी छोटी जो है ना इन बड़ी मुश्किल से निकलती है बहरेव इंसान जो सोचे वो कर ही लेता है तो थोड़ी थोड़ी करके जो है ना मैंने सारी क्यारी जो है ना मैंने साफ कर दी थी और जो गंद वगैरह है वो भी मैंने कहा मैं क्यारी से निकाल दिया क्योंकि बच्चे अक्सर जो है ना इधर कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं और ये जो छोटा सा पौधा जो है मैं उतार रही हूँ इसके बारे में हर रोज़ अब्दुल्ला जो है ना मुझे यही बोल रहा था कि मामा इसको आपने जो है ना निकालना नहीं उसको पता था कि मैं जब भी क्यारी साफ़ करूँगी मैं इसको उतार दूँगी वो आज मैंने बहरहाल उतार ही दिया कि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि है किस चीज़ का पौधा वो कह रहा था नहीं मम्मा ये ना जामुन का पौधा है लेकिन वो जामुन का भी नहीं लग रहा था वो पता नहीं क्या था ऐसे कोई बूटी निकली हुई थी और अब फाइनली जो हमारे अमरूद हैं ना दोनों पौधों के वो पकना शुरू हो गया हर रोज़ तकरीबन तो काफ़ी ज़्यादा पके हुए उतरते हैं और बड़े मज़े के और बड़े मीठे हैं और ये इनका ना पहला फल है ये दोनों पौधों का पहला फल है ये वाला जो है इतना प्यारा इनका कलर है ना बिल्कुल भी उतारने का दिल नहीं कर रहा ये दोनों पके हुए थे मैंने कहा चलो ये अब्दुल्ला आएगा तो वो उतार के खा लेगा क्योंकि जब आता है ना वो पहले इस पे ध्यान करता है कि इस पे कोई पका हुआ अमरूद है तो वो मैं उसको वो उतारूं उसको बड़े पसंद है ना अमरूद और ये वाला भी पका हुआ है और जो सात लीमू हैं उनके अंदर रस इतना ज़्यादा है लेकिन वो बाहर से कलर चेंज नहीं कर रहे हैं बाहर से वही ग्रीन के ग्रीन है क्योंकि कल मैंने लीमू तोड़ के तो लीमू पानी बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा इसमें से ना रस निकला था बिल्कुल भी वो ड्राई वाले लीमू नहीं थे जो मतलब कि कच्चे होते हैं वो नहीं थे बिल्कुल पके हुए थे अंदर से लेकिन बाहर से इनका जो है ना वो कलर चेंज नहीं हो रहा और उसके बाद ना हेल्पर आई थी और हमने घर की सफाई वगैरह कर ली क्योंकि मैं बड़े दिनों से हिम्मत इकट्ठी कर रही थी कि मुझे वैक्सीन लगवानी है तो अभी जो है ना मैं इधर वैक्सीन लगवाने आई हूँ बहुत डर डर के बड़े लोगों से पूछ पूछ के कि होता तो कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं है तो फिर मैंने कहा चलो लगवा ही लेते हैं सारी दुनिया लगवा रही है तो हमें क्या है लगवा लेते हैं ये हमारे करीबी हेल्थ सेंटर तो इधर लगा रहे थे तो मैंने कहा अभी इतनी नज़दीक आए हैं तो लगवा लेती हूँ अदरवाइज़ जो है ना बहुत दूर जो है ना वो लगवाने जाना पड़ता है तकरीबन हमारे घर से बीस किलोमीटर की दूरी पे जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है कोरोना का वैक्सीनेशन सेंटर तो उधर तो तो भी लगवाने जाना पड़ता है तो अभी इधर बाई चांस आए हुए थे तो फिर मैंने कहा इधर से लगवा लेते हैं इतनी दूर जाने का क्या फ़ायदा तो ये खेत कितने प्यारे लग रहे हैं ना तो अभी मैं आ गई थी घर गहर और घर आने के बाद जो है ना वैक्सीन तो मैंने लगवा ली दर्द वग़ैरह मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ उस टाइम कुछ नहीं महसूस हुआ तो घर आके मैं तकरीबन एक आधा घंटा जो है ना मैं लेट गई थी तो उसके बाद जब मैं उठी ना तो ऐसे जैसे कि पूरी बॉडी में खिंचाओ सा अजीब से कोई ना कि जैसे बंदा थका थका सा हो इस तरह की कोई ना फीलिंग आ रही थी तो ये वैक्सीन लगवाने जाने से पहले जो है ना मैं सारी चीज़ें तैयार करके गई हुई थी कि आके जल्दी से मैं खाना बना लूँगी कि उधर रश ना हो लेकिन उधर बिल्कुल भी रश नहीं था तो जल्दी मैं वापस आ गई तो मैंने कहा मैं जो है ना जल्दी से खाना बना लेती हूँ दोपहर का क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने में तकरीबन एक घंटा रह गया हुआ है तो ये सबसे पहले मैं बना लेती रायता अब क्योंकि बच्चों को ये जो बूंदी वाला रायता होता है ना बहुत अच्छा लगता है और आपने अगर पिछले ब्लॉग देखें तो आपको पता होगा कि मैं जो है ना दही में चीनी ज़रूर डालती हूँ उसकी खटास खत्म करने के लिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है और जब मैं ये रायता बना रही थी ना तो मुझे मतलब रायता बनाते ही ऐसे हुआ कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर बुखार फेंक दिया कि इतना तेज़ बुखार मैंने सोचा नहीं था कि वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह इस तरह होता है क्योंकि मैंने जिन जिन से पूछा था वो यही कह रही थी कि नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता हालांकि अम्मी मेरी ने भी लगवाई है वो भी यही कह रही थी कि नहीं कुछ नहीं होता तुम डरो ने तुम लगवा के आओ लेकिन के तकरीबन वैक्सीन लगवाने के एक डेढ़ घंटे के बाद ही मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया कि बस पूछें ही ना कि मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ यहीं छोड़ूँ और जाके चुप करके लेट जाऊँ लेकिन फिर मुझे था कि नहीं बना लेती हूँ अगर मैं लेट गई तो फिर ये सारे काम पड़े के पड़े रहेंगे तो ये रायता मैंने बना लिया अब इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला चाट मसाला मैंने जो है ना वो मैंने घर में बनाया था मैंने उसकी वीडियो जो है ना रिकॉर्ड की थी लेकिन वो मिस हो गई है और ये बहुत मज़े का चंकी सब बड़ा ही जो है ना कि कह लें कि दूसरे चाट मसाले से हज़ार गुना बेहतर जो है न बनता है अब अगर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो ये मैंने एक डेढ़ चम्मच जो है ना चाट मसाले के डाल दिया अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूँगी और इधर जो है ना मैंने कहा मैं आलू और भी बना लेती हूँ सालन में और साथ में मटन जो है बॉयल हुआ पड़ा था तो जल्दी से मैंने कहा मटन वाले चावल पुलाव यानी बना लेती हूँ तो ये घी जो है ना वही बचा हुआ था जो सुबह मैंने उस को फ्राइज़ बना के दी थी ना तो उनमें से जो बचा हुआ घी था वो मैंने कहा मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि फिर वो ज़्यादा दिन पड़ा रहे तो सही नहीं रहता और इधर जो है ना पुलाव के लिए प्याज मैं ब्राउन कर रही हूँ और आज बस जो है ना मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएं क्योंकि जो मुझे वैक्सीन की वजह से जो मतलब कि बुखार और सारी बॉडी में खिंचाव था ना उससे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कह रहा कि मैं कुकिंग करूँ या कुछ करूँ लेकिन क्या करूँ कि मजबूरी थी और मेरा जो दिल कर रहा था ना यही दिल कर रहा था कि बस सारा कुछ ना कुछ किसी जादू से हो जाए तो ये मटन जो है ना ये फ्रिज में पड़ा हुआ था ये भी थोड़ा सा जमा हुआ है तो मैंने कहा कोई बात नहीं जब इसको डालूँगी अंदर तो ये मेल्ट हो जाएगा तो मटन में फिर मैंने कहा मैं इसमें गरम मसाला वगैरह सारी मसाले वगैरह मैं इसी में डाल देती हूँ और फिर उसको जो है ना डाल दूँगी मैं पतीले में और इस फ्लॉग के लिए मैंने लिया सिंधी बिरयानी मसाला मैं पहले इसका आधा पैकेट डालने वाली थी लेकिन मुझे फिर बाद में समझ ही नहीं आई मैंने पूरे का पूरा पैकेट डाल दिया मैंने कहा चलें जो होगा देखी जाएगी और मैं नमक डालना भूल गई थी और ये अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट भी मैंने डाला है और सूखा धनिया और ये कुटी हुई लाल मिर्च ये अब जो ये है ना ये घुलता रहेगा और साथ में मैं आलू और भी आपको मैंने पहले बताया बना रही थी आलू आलू और भी मैं बिल्कुल जो है ना पहले मसाला वगैरह इसका कुछ नहीं बनाती हूँ इसको एज़ इट इज़ जो है ना मैं धो के आलू और भी को डाल देती हूँ कढ़ाई में शायद पहले भी मैंने इसकी रेसिपी बताई है चलें खैर बताई भी है तो ठीक है नहीं तो आप फिर देख लें अगर देखनी है तो ये और टमाटर और हरी मिर्ची मैंने कुछ पुलाव में डाल दी और कुछ मैंने आलू और भी के लिए बचा लिए हैं तो इसमें मैंने बस आलू और में अब ऑयल डाला है और इसको मैं ब्राउन होने दूँगी मतलब फ्राई होने दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट इसका इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी क्योंकि अदरक और लहसुन के बगैर कोई भी आपकी सब्ज़ी वगैरह आप बिल्कुल नामुकम्मल है मुझे नहीं था आइडिया कि ये वैक्सीन लगवाने से बंदे को इतनी वीकनेस फ़ील होती है लेकिन मुझे कि एक दो घंटे के बाद ही इतनी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं वो बन रही है पुलाव भी बन रहा है और सब्ज़ी भी बन रही है और रही है। साथ में जो बर्तन है ना वो भी मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ क्योंकि एक दफ़ा अगर मैं लेट गई तो फिर जो है ना नहीं उठा नहीं जाएगा कि इतनी ज़्यादा मुझे शदीद वाली पेन भी हो रही थी बाजू पे जहाँ पे वैक्सीन लगी है और बुखार भी मुझे बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था कि खाना बनाते ही मुझे जो है ना इतना ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया था और बुखार भी ऐसा कि बिल्कुल ज़ुबान का टेस्ट ख़त्म हो गया था कि पानी भी पीती थी और वो भी इस तरह लग रहा था कि जैसे पता नहीं कि क्या चीज़ पी रहे हैं बिल्कुल पानी का भी कोई टेस्ट नहीं था आ रहा और दूसरी किसी चीज़ को तो बिल्कुल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था हर किसी का वैक्सीन में एक्सपीरियंस अलग तरह रहता लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत सा खतरनाक सा था क्योंकि इतना ज़्यादा बुखार जो है ना मुझे नहीं होता कभी नहीं होता मुझे साल में कभी एक दफ़ा बुखार होता है या दो साल में पहले एक दफ़ा होता मुझे बहुत कम बुखार होता है लेकिन जब से ये करोना है तब से एक दो दफ़ा हो गया हुआ है और इस तरह का बुखार जो है ना बिल्कुल जिसमें आपकी ज़ुबान टेस्टलेस हो जाती है और किसी चीज़ को देखने का दिल नहीं करता कुछ खाने का दिल नहीं करता कि बिल्कुल जो है ना अब आप, आप बिल्कुल टेस्टलेस हो जाते हो इस तरह का बुखार जो है ना मुझे कभी नहीं हुआ क्योंकि सब सबका जो है ना एक्सपीरियंस होगा कि जब हमें बुखार होता है हल्का फुल्का सा या तेज़ कह लें जैसा भी बुखार होता है तो कुछ स्पाइसी सा खाने का दिल करता है कुछ तीखा सा कुछ चटपटा सा इस तरह का कुछ खाने का दिल कर रहा लेकिन जो ये वाला बुखार है ना इसमें बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था और इवन कि मैं पुलाव बना रही थी ना तो मुझे ये भी ऐसे मेरे ना सर को चढ़ रहा था कि मैं ये बना रही हूँ इसकी स्मेल मेरे सर को चढ़ रही थी और ये आलू और भी जो है ना ये भी मेरे आलमोस्ट बन गए हुए हैं और पुलाव जो है ना वो भी बस बन गया उसको दम लगाने वाला है और पुलाव तो मैंने बनाया ही है और आलू और भी मैंने साथ इसलिए बना दी थी क्योंकि उसका की जो है ना कभी कभी सुई आड़ जाती है वो कहती है मैंने चावल नहीं खाने मैंने रोटी खानी है तो फिर मैंने इसलिए जो है ना आलू और भी बना दिया था कि अगर वो रोटी कहेगी तो वो मैं रोटी उसको बना दूँगी क्योंकि सिंपल इस मैंने मेथी चिड़कती है और ये लीमू पानी भी मैंने जग भर के बना दिया था क्योंकि बच्चों के अब आने में सिर्फ और सिर्फ पंद्रह मिनट रह गए हैं और अगर पानी ना बनाओ तो फिर स्यापा लगाते हैं और उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ मुझे शायद वीकनेस इसलिए फ़ील हो रही है कि मैं नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और वैक्सीन लगवाई हूँ इसीलिए शायद वीकनेस भी फील हो रही है और टेम्परेचर भी इसीलिए हो गया तो कुछ खाऊँ शायद बेहतर हो जाऊँ लेकिन खाने से भी जाना कुछ नहीं हो रहा था खाना खाया ही नहीं जा रहा था लेकिन पुलाव मज़े का बना था और मुझे तो वैसे भी हाथ से जो है ना ब्लॉग खाने का बड़ा मज़ा आता है और मैं हाथ से ही खाती हूँ ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हाथ से खाते होंगे मुझे भी उन लोगों की तरह हाथ से खाने का बड़ा मज़ा आता है लेकिन ओवरऑल जो है ना मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वैक्सीन लगवाने का वो अच्छा नहीं रहा लेकिन लगवानी चाहिए सबको लगवानी चाहिए ज़ाहिर एक दिन बुखार होगा ठीक है आ, उसके बाद तो आप कोरोना से महफूज हो जाएंगे ना तो सबको लगवानी चाहिए कोरोना की वैक्सीन और ज़रूरी भी है और यहीं पे जो है ना मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और जहाँ रहें खुश हैं या बात रहें दूसरों में हूशियाँ बाँटें इसी दुआ के साथ अब मैं चाहूँगी इजाज़त और आपसे मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में हाफिज़